आज हम एग्जाम को देखते हुए चार्ट पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम चार्ज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चार्ज को किससे सूचित करते हैं, आप भी जानते हैं कि चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं। चार्ज को किससे सूचित करते हैं, क्यू से सूचित किया जाता है। चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, आप भी जानते हैं इसमें। चार्ज का एसआई मात्रक यहाँ क्या कहिएगा, एसआई यूनिट ऑफ क्या है इसमें, चार्ज। यानी चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, आप भी जानते हैं इसमें। आप कूलम्ब को किससे लिखते हैं, सी से। तो क्या कहिएगा कि चार्ज का एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसका अर्थ है इसमें कि चार्ज का एसआई मात्र, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अब रहा चार्ज का, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब को सी से डिनोट करते हैं। अब रहा चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का क्या कहिएगा इसमें, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है इसमें, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या कहेंगे इसमें, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट को कहते हैं स्टैट कूलम्ब। क्या कहते हैं, स्टैट कूलम्ब, या एक इसका और नाम आता है इसमें जिसे कहते हैं ESU ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, चार्ज का एसआई मात्र कूलम्ब, चार्ज का सीजीएस मात्र स्टैट कूलम्ब या ESU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ चार्ज का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का सीजीएस मात्र क्या रहा, स्टैट कूलम्ब। चार्ज का सीजीएस मात्र स्टैट कूलम्ब या ESU ऑफ चार्ज। अब देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है जो यहाँ कूलम्ब और क्या है स्टैट कूलम्ब में संबंध। जैसे कोई कहे कि एक कूलम्ब में कितना स्टैट कूलम्ब होता है, याद रखिएगा जो 1 कूलम्ब = 3×9 स्टैट कूलम्ब होता है। क्या होता है, क्या जाने आप, 1 कूलम्ब = 3×10⁻¹ स्टैट कूलम्ब या क्या कहेंगे इसमें, ESU ऑफ चार्ज या ESU ऑफ चार्ज कहते हैं इसमें। 1 कूलम्ब बराबर कितना रहा, 3×10⁻¹ स्टैट कूलम्ब या ESU ऑफ चार्ज। अब याद रखिएगा, 1 कूलम्ब बराबर 3×10⁻¹ स्टैट कूलम्ब आवेश का सीजीएस मात्रक है और कूलम्ब एसआई यूनिट है। अब बताइएगा, तो 1 कूलम्ब बराबर 3×10⁻¹ स्टैट कूलम्ब, इसलिए आप पूछ देता है जो कोई एक स्टैट कूलम्ब में क्या होगा, एक स्टैट कूलम्ब इजगल टू क्या होगा इसमें, एक स्टैट कूलम्ब इजगल टू क्या होगा, क्या होगा 3×10⁻¹ स्टैट कूलम्ब के साथ गुणा में है, एक स्टैट कूलम्ब निकालेंगे तो क्या होगा, ये भाग में आ जाएगा एक कूलम्ब के साथ। ये क्या होगा इसमें, 1/3×10⁻¹ क्या होगा इसमें कूलम्ब, one stat coulomb = 1/3×10⁻¹⁹ coulomb। ध्यान रखिएगा, एक स्टैट कूलम्ब बराबर 1/3×10⁻¹ coulomb या क्या कहेंगे इसे, एक स्टैट कूलम्ब बराबर क्या लिखिएगा, 1/3×10⁻¹ coulomb। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया है इसमें 1/3×10⁻¹⁹ coulomb भरने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आ जाए कि एक स्टैट कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो 1/3×10⁻¹
माइनस 9 कूलम के बराबर होता है। अब आपको बतला रहे हैं सुन कि आइंस्टाइन कूलम को ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। याद रखिएगा चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम या ईएसयू ऑफ चार्ज होता है। अब रहा एक कूलम बराबर 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। तो एक स्टैट कूलम बराबर 1/3×10⁻⁹ कूलम, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3×10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीन कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, या इसे आप वीडियो को पॉज करके क्या है उतार लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे सुन आगे कि क्या होता है सुन। एक होता है ईएमयू ऑफ चार्ज या क्या कहेंगे सुन एब कूलम, ध्यान रखिएगा। अब आता है सुन ईएमयू ऑफ चार्ज या एब कूलम, तो यहाँ क्या कहेंगे हम कि ईएमयू ऑफ चार्ज यहाँ लिखेंगे सुन 1 ईएमयू ऑफ चार्ज, ध्यान रखिएगा। आवेश का एक अन्य मात्रक होता है, आवेश का यानी चार्ज का अन्य मात्रक, ठीक है, अन्य मात्रक है चार्ज का। तो चार्ज का अन्य मात्रक क्या होता है, ईएमयू ऑफ चार्ज, क्या कहेंगे इसको ईएमयू ऑफ चार्ज कहिएगा, या इसे एब कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं, एब कूलम कहा जाता है। ईएमयू ऑफ चार्ज कहिए या एब कूलम कहिए, आवेश का एक अन्य मात्रक इसे क्या कहेंगे, ईएमयू ऑफ चार्ज या एब कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम में क्या होता है सुन 1/10 एब कूलम होता है, याद रखिएगा। एब कूलम को क्या लिख सकते हैं, एब कूलम के बदले हम क्या लिखेंगे, ईएमयू ऑफ चार्ज भी लिख लेते हैं। क्या कहिएगा सुन, 1 कूलम बराबर 1/10 एब कूलम या ईएमयू ऑफ चार्ज। अब रहा है सुन कि रिलेशन बतला रहे हैं आपको कि स्टैट कूलम तथा क्या कहिएगा सुन एब कूलम में संबंध, ठीक है। तो अब आपको हम बतला रहे हैं सुन किसके बारे में, स्टैट कूलम द एब कूलम में संबंध। तो हम मिटा रहे हैं सुन इधर, इसको उतार लिए आप लोग, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। अब इसको हम बता रहे हैं सुन, तो किस में संबंध जी, स्टैट कूलम तथा एब कूलम में संबंध, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा सुन। अब देखना है सुन स्टैट कूलम तथा एब कूलम में संबंध किसके बीच, तो स्टैट कूलम रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड एब कूलम में क्या है रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं सुन, वी नो दैट क्या जानते हैं सुन, यहाँ हम जानते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। एक नंबर पहले जानते हैं, एक कूलम में कितना स्टैट कूलम, तो 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम। इसी को चेंज किए हैं तो एक स्टैट कूलम बराबर कितना है 1/3×10⁻⁹ कूलम है, एक कूलम में 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। तो अब बताइएगा सुन कि एक कूलम में 3×10⁻⁹ स्टैट कूलम, एक कूलम में कितना एब कूलम होता है सुन, एक कूलम इक्वल टू क्या है 1/10 एब कूलम। एब कूलम का दूसरा नाम है सुन ईएमयू ऑफ चार्ज, ये कई नंबर है सुन 2 नंबर। अब क्या कहिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन क्या है सुन यहाँ लिखेंगे सुन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है सुन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाते हैं तुम सुन लीजिए, एक नंबर में LHS में 1 कूलम और 2 नंबर में LHS में 1 कूलम। LHS समान है तो क्या है RHS भी समान होगा, तो क्या लिख लेंगे सुन यहाँ क्या लिखेंगे कि 1/10 एब कूलम, इसको मिटा देने आप लोग उधार लिए सुन। अब क्या है 1/10 एब कूलम इज इक्वल टू क्या होता है सुन 3×10⁻⁹ एस्टैट कूलम, एस्टैट कूलम, ध्यान दीजिएगा सुन। अब रहा कि 1 एब कूलम इज इक्वल टू 3 गुणे
10 के पावर 9 भाई 10 का इधर भाग में था इधर जाकर क्या है 10 स्टैक्ड कूलम। अब क्या है इसमें यहाँ एक एब कूलम इज इक्वल टू क्या रहा 3 गुणे 10 के पावर 10 स्टैक्ड कूलम। अब एक बात याद रखिएगा एब कूलम को हम EMU ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं यानी 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर 10 क्या रहा स्टैक्ड कूलम है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ठीक है। तो फिर हम आगे चल रहे हैं सुन इसको आप लोग उतार लीजिएगा ठीक है। इसके बाद किसमें संबंध रहा स्टैक्ड कूलम तथा क्या रहा है सुन एब कूलम में रिलेशन रहा ठीक है। स्टैक्ड कूलम तो एक कूलम में 1/10 एब कूलम ध्यान रखिएगा 1 कूलम में 1/10 एब कूलम यहाँ भी लिखे 1 कूलम में 3 × 10^9 स्टैक्ड कूलम में। तो आप बताइएगा LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा यानी 1/10 एब कूलम इजिकल टू 3 × 10^2 यानी 1/10 एब कूलम इजिकल टू क्या है 3 × 10^9 स्टैक्ड कूलम। तो 1 एब कूलम इजिकल टू क्या होगा 10 यहाँ क्या है भाग में तो इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा गुणा होगा 10^9 × 10^1 है 9 × 10 9 × 1 क्या हो गया 10 एक एब कूलम बराबर 3 × 10^10 स्टैक्ड कूलम ठीक है। अब इसके आगे बतला रहे हैं हाँ दोस्तों तो अब देखिए अब बतलाया जाएगा आपको कि चार्ज का सबसे बड़ा मात्र क्या है और चार्ज का सबसे छोटा मात्र क्या है। तो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है जबकि चार्ज का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। तो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट फैराडे तथा चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है। अब आपको हम बतला रहे हैं सुन चार्ज का 1 फैराडे बराबर क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे हम सुन 1 फैराडे इजकल टू क्या होता है सुन 96,500 कूलम होता है याद रखिएगा सुन। तो चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या होता है फैराडे होता है 1 फैराडे इजकल टू 96,500 कूलम होता है ठीक है। चार्ज के बहुत सारे मात्रक है सुन कहीं दे देता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है देखिएगा आया हुआ एग्जाम में सुन कोई कहे कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है सुन ऐसे तो एम्पियर घंटा यानी एम्पियर घंटा किसका यूनिट है एम्पियर घंटा किसका यूनिट है पूछा एम्पियर घंटा ऐसे क्वेश्चन में किसका मात्रक है ऐसे किसका मात्रक है सुन तो ध्यान रखिएगा सुन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है तो बताइएगा सुन I बराबर विद्युत धारा I बराबर Q/T ठीक है Q बराबर क्या रहा IT Q क्या है चार्ज है आवेश है। अब ये चार्ज है Q तो या इसका मतलब रहा कि I का Q बराबर IT I का मात्रक क्या है एम्पियर I का एम्पियर टाइम के क्या है आवर मिनट सेकेंड हो सकता है तो एम्पियर आवर का है एम्पियर मिनट का है एम्पियर सेकेंड का है तो किसका यूनिट होगा चार्ज का यूनिट होगा ठीक है। तो जब भी ऐसे आए सुन तो आप बता सकते हैं कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है तो चार्ज का एम्पियर मिनट किसका मात्रक है तो चार्ज का एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है तो चार्ज का। तो ऐसे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं इससे जरूर एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ठीक है। तो एकदम फिक्स है कि आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे मिलेगा आप लोग वीडियो देखिए ठीक है सुन और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें ठीक है बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम है ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बतलाएंगे सुन देखिए क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं एग्जाम में चार्ज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन को देख लीजिए हम एक एक करके बतला दे रहे हैं। पहला है सुन कि 1 कूलम बराबर देखिए डैश स्टैक्ड कूलम 1 कूलम कितने स्टैक्ड कूलम के बराबर होता है 1 कूलम अभी आप इसके पहले बताए हैं 1 कूलम 3 × 10^9 स्टैक्ड कूलम के बराबर होते हैं यहाँ क्या बोलिए ये नंबर सही होगा यहाँ क्या बनेगा 3 × 10^9 स्टैक्ड कूलम के बराबर होता है
दूसरा है वन स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। तो अब बताइएगा, एक कूलम में 3×10^9 स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम में क्या होगा 1/3×10^-9 कूलम। अतः यहाँ क्या भर देंगे हम, 1/3×10^-9 कूलम है, ठीक है। एक फैराडे, एक फैराडे किसके बराबर है, आपको बताया गया है सुन, एक फैराडे जो है सुन वो 96,500 कूलम के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सुन, सी नंबर, यहाँ क्या लिख देंगे 96,500। अब रहा है सुन कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक, आया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, विद्युत धारा समय आवेश किसका है सुन, तो बताया गया है सुन कि आवेश का, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है आई टी, आई क्या है आई विद्युत धारा, टी समय है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है और टी समय का घंटा होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक रहा, चार्ज का रहा, तो यहाँ क्या कहेंगे हम, आवेश का मात्रक है, ठीक है। आप लोग का ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा सुन ऑब्जेक्टिव को।